जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार यानी 8 अक्टूबर को घोषित होंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी राजनीतिक एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। बीजेपी की उम्मीदें छोटे दलों के साथ निर्दलीयों और बागी उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर टिकी है। बीजेपी अगर सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो वह छोटे दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। इसी के लिए निर्दलीय और छोटे दलों के साथ पर्दे के पीछे से ताना बाना भी बुना जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल के अनुमान का औसतन आंकड़ा देखें तो बीजेपी को 30 से 32 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को 42 से 45 सीटें मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए, लेकिन 5 विधायकों को मनोनीत करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास है। इस तरह बहुमत का आंकड़ा बढ़कर 46 हो जाता है। ऐसे में कश्मीर की सत्ता पर काबिज होने के लिए सियासी दल में बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने की कवायद अभी से ही तेज हो गई है, लेकिन नतीजे के बाद ताकि वक्त खराब ना हो। बीजेपी को उम्मीद है कि उसे जम्मू संभाग इलाके की कुल 43 विधानसभा सीटों में से 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह मानते हैं कि बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार के गठन में कोई भूमिका नहीं होगी। इसके लिए बीजेपी के नेता सरकार बनाने का फॉर्मूला भी रख रहे हैं कि कैसे बहुमत का नंबर वो जुटा पाएंगे। इसके लिए जम्मू संभाग क्षेत्र में बीजेपी के प्रदर्शन के साथ साथ घाटी में निर्दलीय और छोटे दलों के साथ आने का दावा भी किया जा रहा है। बीजेपी इस उम्मीद में है कि जम्मू संभाग में 32 से 35 सीटें जीत लेती है तो उसकी सरकार बनना तय है। कश्मीर संभाग की सीटों की बात करें तो एग्जिट पोल में पीडीपी के बहुत पीछे रहने के अनुमान लगाए गए हैं और बीजेपी इसमें अपने लिए संभावनाएं देख रही हैं। कश्मीर संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की गठबंधन की उपस्थिति के बीच छोटे दल बागी और निर्दलीय उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो सत्ता की तस्वीर पलट सकती है। बीजेपी चुनावी नतीजे में इसी की उम्मीद लगाए हुए है और सरकार बनाने के लिए सियासी बिसात भी बिछानी उसने शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने 62 सीटों पर ही चुनाव लड़ा है, जबकि बाकी 28 सीटों पर निर्दलीय और छोटे दलों को समर्थन किया है। बीजेपी ने कश्मीर के संभाग इलाके की सीटों पर निर्दलीयों को समर्थन दिया है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अगर पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है तो वो बिना देरी किए निर्दलीय और छोटी पार्टियों से जीते विधायकों के बूते सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकती है। निर्दलीय नेताओं के साथ बातचीत शुरू हो चुकी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने बताया कि निर्दलीय चुनाव जीतने की संभावना रखने वाले नेताओं के साथ बातचीत भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी के स्तर पर नहीं बल्कि वो अपने स्तर पर कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारी इच्छा है कि बीजेपी सरकार बनाए। इसके लिए जो हमारे जान पहचान के नेता चुनाव लड़े हैं मैं उनसे खुद बात कर रहा हूं। निर्मल सिंह ने कहा कि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पार्टी के बाकी लोग भी मिशन में लगे हुए हैं। बीजेपी नेता कहते हैं कि जिस तरह चुनाव पूर्व गठबंधन होता है उसी तरह मतगणना से पहले भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हम चुनाव नतीजे के इंतजार में बैठे रहना नहीं चाहते हैं बल्कि सरकार बनाने की दिशा में एक्सरसाइज शुरू भी कर दी है। इसके लिए कश्मीर घाटी में निर्दलीय चुनाव लड़ने वालों के साथ संपर्क बनाए रखना है जिन्हें चुनाव में समर्थन बीजेपी की ओर से किया गया है। उनका कहना है कि कश्मीर क्षेत्र में जिन निर्दलीयों को समर्थन किया है उसमें से 10 से 15 उम्मीदवार जीत कर आ सकते हैं। इस तरह जम्मू संभाग में बीजेपी के 35 और कश्मीर संभाग में निर्दलीय विधायकों के समर्थन से हम सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। इसी के साथ बीजेपी की जो नजरें हैं वो मनोनीत विधायकों पर भी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू संभाग में कम से कम 35 सीटें जीत ले। इसके अलावा बीजेपी की रणनीति का अहम हिस्सा है राज्य के 5 मनोनीत विधायक। नए कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा किया जाएगा। ऐसे में निर्वाचित सदस्यों की तरह ही इन्हें भी मतदान समेत सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की संख्या बढ़कर 95 और बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि मनोनीत विधायकों को अपनी ओर किया जा सके। इसके अलावा बीजेपी की नजर उन निर्दलियों और छोटे दल के विधायकों पर भी है जो कश्मीर संभाग में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की नजर इसके साथ ही जमात ए इस्लामी यानी रशीद इंजीनियर की पार्टी आवाम इत्तेहाद पार्टी और सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी है। ऐसे में चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी इन दलों को साधने की कवायद करेगी। इसके बाद जरूरी हुआ तो साथ आने की राह में आगे भी बढ़ेगी।
इसके अलावा चुनाव में जमात इस्लामी के कई सदस्य निर्दलीय चुनाव मैदान में किस्मत आजमा रहे थे, जिनमें से कई मजबूत स्थिति में भी हैं। ऐसे में अगर वो जीतने में सफल रहते हैं तो बीजेपी के लिए सियासी राह आसान हो सकती है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने कश्मीर संभाग से जीत के संभावना वाले निर्दलीय नेताओं पर पूरा फोकस केंद्र रखा है। इसमें इंजीनियर राशिद के साथ सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद और कुछ निर्दलीय भी शामिल हैं। बीजेपी ने दक्षिण कश्मीर की 16 विधानसभा सीटों में से 8, मध्य कश्मीर की 15 में से 6 और उत्तर कश्मीर की 16 में से 5 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा है वहां पर निर्दलियों के पीछे से समर्थन किया है। दक्षिण कश्मीर की अनंतनाग सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रफीक वानी ने खुले तौर पर दावा किया है कि नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे साथ हैं। उन्होंने इंजीनियर रशीद, सज्जाद लोन, अल्ताफ बुखारी, गुलाम नबी आजाद को अपना बताया था। सज्जाद लोन का समर्थन तो बीजेपी पहले भी 2014 में लेने में सफल रही थी, जब पीडीपी के साथ उसने सरकार बनाई थी। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी वो उनको समर्थन देते हैं या नहीं। बीजेपी से अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ऐसे में पीडीपी उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार है। पीडीपी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष सरकार में पीडीपी अहम भूमिका निभाएगी और इसका हिस्सा भी होगी। फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी नेता के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए कांग्रेस एनसी गठबंधन में शामिल होने को वो लोग तैयार है। उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ी बात है कि पीडीपी हमारे साथ आने के लिए तैयार है। हम सभी एक ही रास्ते पर है, नफरत को हमें खत्म करना है और जम्मू कश्मीर को एकजुट रखना है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद किसकी सरकार बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।